दिलों की आशाओं को उजागना से आंसू बरसातों को संभालना है। वजीर आजम ने जो नोटिस लिया उसमें उन्होंने असद उमर, उमर अयूब, शहजाद कासिम और नदीम बाबर और मुझे ये हिदायत की कि फौरी तौर से के इलेक्ट्रिक के साथ बैठ के तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बिठा के जिसमें सुई गैस और पीएसओ, फर्नेस ऑयल हर चीज़ की फरहमी को यकीनी बनाते हुए के इलेक्ट्रिक से इस मामले को रफा दफा कराएं, फौरी तौर से ये लोड शेडिंग का खात्मा हो जाए। आज जो चीज़ें तजावीज़ जो दी गई हैं और जो चीज़ें तय हुई हैं उसके तहत इंशाल्लाह अगर गैस की सप्लाई और फर्नेस ऑयल की सप्लाई जो आज कमिटमेंट हुई है उस कमिटमेंट के मुताबिक कल से कराची में गैर अलानिया लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया जाएगा। ख्याल रखना, ख्याल रखना, ख्याल। नेप्रा ने अपनी पब्लिक हियरिंग भी कराची में मुकम्मल की है और चेयरमैन नेप्रा आज भी हमारे साथ मीटिंग में मौजूद थे और उन्होंने कहा है कि वो फैसला कि किसकी गलती से ये लोड शेडिंग में इजाफा हुआ वो नेप्रा अलग से एक फैसला देगा। हमारा मकसद आज सिर्फ इतना था कि कराची के अंदर जो गैर मामूली लोड शेडिंग हो रही है और जो शेड्यूल लोड शेडिंग के अलावा अनशेड्यूल्ड गैर ऐलानिया लोड शेडिंग हो रही है उसको फिर और कैसे ख़त्म कराया जा सकता है। उसके लिए गैस सप्लाई का इजाफा का भी फैसला कर दिया गया। SSGC के MD भी यहाँ पे मौजूद हैं, के इलेक्ट्रिक के MD भी यहाँ पे मौजूद हैं और फर्नेस ऑयल की जो सप्लाई है उसके अंदर इजाफा भी कर दिया गया है और इंशाल्लाह ताला ये दोनों चीज़ें होने के बाद कल से कराची में कोई भी गैर ऐलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। आज हमारी 2-2.5 घंटे मीटिंग हुई है के इलेक्ट्रिक के साथ और उसका जिक्र तो सारी डिटेल आपको असद उमर साहब बताएंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप पिछले संडे से हमारे साथ यहाँ खड़े हुए हैं। मैं अपने MPS और वर्कर्स का भी बड़ा मशहूर हूँ जिन्होंने इस गर्मी में दिन रात यहाँ पे टाइम दिया और कराची की आवाज़ बन के खड़े हुए और ख़ासतौर से राजा अजहर और सारे MPS का जो दिन रात यहाँ पे बैठे रहे और अपने कारकुनों का भी जो कारकुन मुस्तकिल यहाँ पे हैं मैं बड़ा मशहूर हूँ और हम PTI की पूरी क्यादत मशहूर है। मैं स्पेशली असद उमर भाई का और गवर्नर साहब का भी बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने बेनतहा टाइम दिया, मुस्तकिल मीटिंग्स की गवर्नर हाउस में भी, PM हाउस में भी और असद उमर साहब इसके लिए कल क्या तशरीफ लाए। ख्याल रखना, ख्याल रखना, ख्याल।